दुर्गा मंदिर में नवरात्रि उत्सव की धूम थी। मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लगी थी। मंदिर के पुजारी जी भक्तों के समक्ष माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन कर रहे थे। देवी दुर्गा जो शक्ति का प्रतीक है, ममतामयी माँ है, उन्हीं माँ आदि शक्ति देवी दुर्गा के नवरात्रि व्रत और पूजा बहुत ही फलदायी है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के नाम का जाप करने और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखकर और उनकी पूजा करके मनुष्य जो भी मनोवांछित इच्छा रखकर अपनी झोली फैलाता है, माँ दुर्गा उसकी झोली में खुशियां भर देती हैं। कहते हैं माँ के द्वार से कोई भी भक्त खाली झोली वापस नहीं आता। माँ दुर्गा अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं। दुष्टों का संहार करने तथा भक्तों का उद्धार करने के लिए माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण किए। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है देवी शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता सती को कहा जाता है, जो माता का पहला अवतार था। सती राजा दक्ष की कन्या थी। राजा दक्ष द्वारा महादेव के अपमान के कारण माता सती ने पिता द्वारा किए गए यज्ञ की अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया था। फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। बोलो माँ शैलपुत्री की जय। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। कहा जाता है भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक कठिन उपवास रखे और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की, माता के इस कठोर तप के बाद ही माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस कारण उनका दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। माता का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। कहा जाता है कि विवाह के दिन भगवान शिव के रूप को देखकर उनके माता पिता और अतिथिगण भयभीत हो गए और देवी पार्वती की माँ मैना देवी मूर्छित हो गई। तब देवी पार्वती ने चंद्र घंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुंच गई। उन्होंने बहुत विनम्रता से भगवान शिव से एक आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए कहा, जिसके पश्चात दोनों का विवाह हो गया। तब से देवी पार्वती को शांति और क्षमा की देवी के रूप में उनके चंद्र घंटा अवतार में पूजा जाता है। बोलो माँ चंद्र घंटा की जय। नवरात्रि का चौथा दिन माता कूष्मांडा को समर्पित माना गया है, जिनमें ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त हो, जो उदर से अंड तक माता अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, उस शक्ति को कूष्मांडा कहा गया है। माता शक्ति स्वरूपा है, इसलिए उनका एक नाम कूष्मांडा है। बोलो माँ कूष्मांडा की जय। कार्तिकेय माता पार्वती के पुत्र हैं, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। जो स्कंद की माता हैं, वो स्कंद माता कहलाती हैं। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, इसीलिए माता का एक रूप स्कंद माता भी माना गया है। बोलो स्कंद माता की जय। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन
मां आदि शक्ति के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारें। इसके लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों कठोर तपस्या की। माता ने महर्षि कात्यायन के कठिन तप से प्रसन्न होकर उनके घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता मां कात्यायनी कहलाई। बोलो मां कात्यायनी की जय। माता का सातवां स्वरूप देवी कालरात्रि है। नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का संहार किया तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख देवी दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। तभी से माता के कालरात्रि रूप को पूजा जाने लगा। बोलो मां कालरात्रि की जय। माता का आठवां स्वरूप देवी महागौरी का है। नवरात्रि के आठवें दिन महागौरी की पूजा होती है। शिव को पाने के लिए जब माता पार्वती ने कठिन तप किया तो तप के प्रभाव से उनका रंग काला पड़ गया। तपस्या से प्रसन्न महादेव ने देवी पार्वती को पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए कहा। गंगा के पवित्र जल से देवी पार्वती गौर वर्ण की हो गई। इस कारण माता का नाम महागौरी पड़ा। बोलो मां महागौरी की जय। नवरात्रि के नवे दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मां दुर्गा का आखिरी स्वरूप मां सिद्धिदात्री है। ये मां दुर्गा की नौवीं शक्ति है। पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से ही समस्त सिद्धियों को प्राप्त किया था। इसी कारण वे जगत में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इनकी पूजा करने से यश धन और बल की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त पूरे मन और श्रद्धा से मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो मां सिद्धिदात्री की जय। भक्तों आप सभी मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करो। दुखियों की सहायता करो। गरीबों को दान पुण्य करो। सदैव सत्कर्म करो। कभी भी किसी से ईर्ष्या मत रखो। सदैव प्रेम से रहो और अच्छाई के मार्ग पर चलो तो आप सब भक्तों को मां का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। जय मां दुर्गा। सभी भक्तों ने भी पुजारी जी के साथ मां दुर्गा के नाम का जयकारा लगाया। मां दुर्गा के नाम के जयकारे से पूरा मंदिर गूंज उठा।